हेलो एंड वेलकम टू ममाज हाइजीनिक कैंटीन। आप सभी का रश कैंटीन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाशिवरात्रि के पावन त्यौहार पर बहुत ही आसान सा व्रत में काम आने वाली या व्रत में खाई जाने वाली आसान सी तीखुर की बर्फी। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने शायद तीखुर का नाम पहली बार सुना होगा। आगे हम बताएंगे कि ये क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, जो भी मेरे चैनल पे नया है इसे सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगे तो आगे से आगे शेयर करें। और हाँ, कॉमेंट देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है इस बोल में 100 ग्राम तीखूर, और इसे हम दूसरे बोल में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी, और इसे हमें 2 से 3 बार इस पानी को डालकर इसी तरह से ऊपर से निकाल लेना है। तो ये मैंने देखिए 3 बार तक का पानी निकाल दिया है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ढककर। जब तक ये तीखुर सेट होता है तब तक मैं गैस पर रख रही हूँ। ये 250 ग्राम दूध, फुल क्रीम दूध है और इसमें एक बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 150 ग्राम शक्कर और इसे डिज़ोल्व होने तक चलाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो हम बर्फ़ी बनाएंगे उसमें हमें ऊपर से शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमें ये टेंशन होगी कि हमें कितनी शक्कर डालनी है, कि हमारी बर्फ़ी जमेगी या नहीं जमेगी। तो हमारा एक ही बार में काम हो जाएगा, गैस की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। ये देखिए दूध में फिर से बॉयल आ गया है और यहाँ पर ये मैं डाल रही हूँ केसरिया फूड कलर। अगर आप व्रत में नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसे टोटली स्किप कर दीजिए और इसकी जगह केसर भी आप डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा कलर आएगा आपकी बर्फ़ी का। और हम इस तरह से अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे कंप्लीट ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो तीखुर है इसे हम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ऊपर में ये साफ पानी है और तीखुर नीचे बैठ गया है। अब हम इस पानी को हटा देंगे और चम्मच से चलाकर इसको इक्वल कर देंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इस कढ़ाई में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है और अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये दूध। बिल्कुल ही ठंडा दूध है, रूम टेम्परेचर पे है। अभी मैं थोड़ा आधा ही दूध डाल रही हूँ, अगर मुझे आगे लगेगा तो मैं और दूध यूज़ करूँगी। अब हम करेंगे गैस को ऑन और एक बॉयल आने तक इसे फुल फ्लेम पर चलाएंगे। और जब एक बॉयल आ जाएगा तब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यूस चलाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि तीखुर क्या है। तीखुर एक वनस्पति जड़ है, जैसे हल्दी की गांठ होती है उसी तरह से ये दिखाई देती है। इस तरह से पिक में जैसे दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसी ही होती है। सफ़ेद हल्दी भी कहा जा सकता है और मार्केट में ये चूर्ण के रूप में मिलती है हमें। इस तरह से पैकेट में ये मिलती है और इसे हम बेझिझक व्रत में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होती है, इसमें औषधीय गुण होते हैं। भूख को बढ़ाने में, जिस किसी को भूख कम लगती है उसकी भूख बढ़ाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि खून की मात्रा को भी ये इनक्रीज़ करता है। आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए बॉयल आ चुका है और इसे मैं चलाते चलाते मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं और ये जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। अभी मुझे इसे 2 मिनट तक और चलाना पड़ेगा क्योंकि इसे थोड़ा सा थिक और करना है। आप स्पैचुला से यूज़ कर सकते हैं, करछी से चला सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से स्टर कर सकते हैं। बस ये स्टेज परफेक्ट है और अब मैं इसे घी से ग्रीस किए हुए
मोल्ड में इसे डाल रही हूँ। ये देखिए इस मोल्ड में मैंने सारा बैटर डाल दिया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैंने भी इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आधा घंटा हो चुका है, अब मैंने इसे निकाला है। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बना है ना बहुत परफेक्ट। अब हम इसे डेकोर कर रहे हैं ड्राई फ्रूट से। मैंने इसे बादाम, काजू और पिस्ता का यूज़ किया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की जगह फ्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसे गार्निश करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। देखिए लग रहा है ना डिलीशियस। चलिए इसके पीसेस काट लेते हैं। ये देखिए बर्फी एकदम कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है और मैं इसे सर्व कर रही हूँ फ्रेश फ्रूट्स के साथ में, एप्पल, पोमेग्रेनेट के शीट्स और केला के साथ में। मैं यहाँ पर दूध का गिलास रखना भूल गई थी। आप अगर जिसको भी सर्व करें तो दूध ज़रूर इसके साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही अच्छा मील बनकर तैयार हो गया है व्रत वालों के लिए। तो देर किस बात की है, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और हाँ, कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी थी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।